नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के माल रोड पर विश्वकर्मा ट्रक बॉडी रिपेयर वर्क्स में देर रात लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 100 ग्राम हेरोइन की बरामद। भवानीगढ़ के नजदीक एक ब्रीजा कार और रेत से भरे ट्राले की हुई टक्कर, इलाका विधायक ने टोल प्लाजा कर्मचारियों की लगाई क्लास। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के माल रोड पर विश्वकर्मा ट्रक बॉडी रिपेयर वर्क्स में देर रात लगभग 3 बजे के करीब भयानक आग लग गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए वर्कशॉप के मालिक जसबीर सिंह ने बताया कि देर रात उन्हें फोन आया कि उनकी वर्कशॉप में आग लग गई है। जब उन्होंने मौके पर आकर देखा तो आग भीषण रूप धारण कर चुकी थी। उनके मुताबिक इस आगजनी के कारण उनका लगभग 10 से 12 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है और वहां खड़ी गाड़ी भी जलकर राख हो गई थी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सानू 3:30 बजे पता लग गया जी, असि 3 बजे इतने आ गए थे। वो अपना पहले ही इसने फायर ब्रिगेड को फोन करता थी, 5-7 मिनट के फायर ब्रिगेड आ गई थी। गड्डी के पिछले पहले अग लगी है, बाद च उपर सारी छत हो गई, अपना समान मच गया, सारा गड्डी सारी मच गई जी। नुकसान देखो जी, गड्डी मच गई, अपना जी अपना सारी छत खराब हो गई जी। 10 to 12 lakh का नुकसान तो है ही है जी। प्रशासन का यही भी साडा भी जो नुकसान है सानू मुआवजा दिता जाए जी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों के तहत नशे की रोकथाम के लिए चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर की पुलिस ने एक व्यक्ति को 100 ग्राम हेरोइन सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वीरेंद्र खोसा ने बताया कि थाना सदर के इंस्पेक्टर नीरज कुमार, एसआई सुशील कुमार पुलिस पार्टी सहित गश्त पर थे कि इस दौरान एक एक्टिवा सवार व्यक्ति को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी की पहचान लवप्रीत सिंह के तौर पर हुई है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया है ताकि आरोपी से आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चौंकी इंचार्ज विजयनगर वालों विजयनगर अड्डे से एक नाका लगाया गया से। 4 तरीक की रात को सैलीब्रेशन मॉल वालों एक एक्टिवा आ रही थी। जब उन्होंने एक्टिवा रुकने का इशारा किया तो 2 नौजवान मौके तो फरार हो गए। तो एक नौजवान जिसका नाम लवप्रीत सिंह सन बलजीत सिंह जो कि छाटे का रहने वाला, उसने मौके तो काबू कर लिया। जदों पुलिस ने उसनों काबू करने की कोशिश की तो उसने अपनी जेब विचों एक मोमी कागज का लिफाफा सीटन की कोशिश की। तो जो उस मोमी कागज़ को असी खोल के उसनों जो देखा तो उस विचों सानू 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिस तो बाद असी इस दोषी के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर विखे NDPS एक्ट की धारा 21B के तहत मुकदमा रजिस्टर किया। इस तो बाद असी इसनों जो कोर्ट पेश किया तो सानू इसका 2 दिन का रिमांड मिले। रिमांड में इन्होंने जो 2 नौजवान मौके तो भजे सन उन्होंने नाम करण उर्फ कालू, दूसरे का नाम पैवी, जो कि दोनों छियाटे के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना दोनों असी इस केस के नामजद किया, उन्होंने अरैसट करने लिए असी छापेमारी की जा रही है। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भवानीगढ़ के नजदीक सुबह एक ब्रीजा कार का रेत से भरे ट्राले के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसका मुख्य कारण सड़क पर बना गड्ढा बताया जा रहा है। जिसके बाद संगरूर से विधायक बीबी नरेंद्र कौर भारच ने अपनी टीम के साथ काला झाड़ के नजदीक लगे टोल प्लाजा पर पहुंचकर टोल कर्मियों से बात की और टोल मेंटेनेंस कंपनी को 10 दिन की चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे पर अधूरे कामों को पूरा किया जाए, नहीं तो लोगों की सहायता से इस टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। इस दौरान टोल प्लाजा के नजदीक गांव की ओर से टोल प्लाजा के तटों पर बैरिगेट्स लगाकर गुंडा टैक्स लिया जाता था, उसे भी हल्का विधायकों की ओर से हटाया गया। उन्होंने कहा कि वे लोगों की सहायता के लिए हर कदम पर खड़ी हैं।
इससे पहले भी उनकी ओर से टोल कंपनी को लगभग 2 से 3 बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आकर अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए अब उनकी ओर से कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इस टाइम आपां कालाचार टोल प्लाजा के उत्ते खड़े हैं, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये टोल प्लाजा पहला किसानी अंदोलन करके लगातार बंद रहा सीगा, फिर 3 महीने के ट्रायल बेस से जिहड़ा 15 मई तो जिहड़ा टोल प्लाजा जिहड़ा स्टार्ट हो गया सीगा। उस तो बाद इन्हां दा जिहड़ा टोल दी जिहड़ी कलैक्शन दा जिहड़ा टेंडर भी हो चुकिया, ते असी जबानी मैं इन्हां नाल कई बार राबता करन दी कोशिश की। पहला तो कही जांदे सी साडा टोल चलदा नहीं जी, अजे चला लैण दिओ, क्योंकि टोल दी जे मैं रोड दी गल करां तां जिन्ना इन्हां दे कोल एरिया उहदी जिहड़ी रोड आ उहदी खस्ता हालत आ। वड्डे वड्डे टोए ने जिहड़े आए दिन एक्सीडेंट होंदे ने। अज भी भौनीगढ़ दे विच इक बहुत ही जिहड़ा दर्दनाक इक एक्सीडेंट जिहड़ी घटना वापरी आ। पहलां 2 जिहड़े एक्सीडेंट ने इस टोल दे उपर होए ने, पर इन्हां दी खुद ही एंबूलेंस ना चलण करके जिहड़े उह डैथ सीगी इत्थे 50-50 मिंट घंटा घंटा जिहड़े उह डेड बॉडीज़ ने जिहड़ियां इत्थे पईआं रहीआं ने। अज मेरे नाल मेरे पार्टी दे सारे वर्कर, अहुदेदार साहिबान, इलाके दे जिहड़े मोहतबर साथी ने जिहड़े अज इस जगह दे उत्ते खड़े ने, अज मैं जिहड़ा इन्हां नूं सिर्फ 10 दिन दा अल्टीमेटम, अज 5 तरीक होई है, 15 तरीक तक दा जिहड़ा मैं अल्टीमेटम, जिहड़ा 10 दिन दा अल्टीमेटम इस अथॉरिटी नूं, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नूं मैं जिहड़ा 10 दिन दा अल्टीमेटम देण आई हाँ। पंजाब सरकार एक पासे जिहड़े मान साहब लगातार टोल प्लाजे जिहड़े ने चुकवा रहे ने, जिहड़ियां डेट्स नूं चुकवा रहे ने, हर इक टोल प्लाजे ते जिहड़ी एक्सपायरी डेट लिखी जांदी है, ना तां इन्हां ने एक्सपायरी डेट लिखी है। भारत सरकार की ओर से दरिया दिली दिखाते हुए एक 19 वर्षीय पाकिस्तानी कैदी को रिहा किया गया है, जो अपनी सजा पूरी कर अटारी वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी कैदी जुलकर नैन ने बताया कि वह पाकिस्तान के गांव जंडू कला मंडी वहावल दीन का रहने वाला है और वे 4 भाई बहन हैं। घर में सबसे बड़ा वही है और उसके पिता पेशे से डॉक्टर हैं। उसने बताया कि उसे स्कूल और मदरसे में 2 जगह पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसके चलते वह दुखी था, जिस कारण वह मदरसे से भाग गया और गांव नरोवाल के रास्ते भारत की सरहद पार कर गया, जहां पर उसे बीएसएफ के रेंजर्स ने काबू कर लिया और थाना रमदास की पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की ओर से उसे अचनाला कोर्ट में पेश किया गया। उसने बताया कि 19 दिसंबर 2021 को पुलिस ने उसे पकड़ा था और कोर्ट में उसे 7 महीने की सजा हुई, जिसके बाद उसे अमृतसर की केंद्रीय जेल में भेज दिया गया, लेकिन उसे 15 महीने की सजा काटनी पड़ी और अब वह अपनी सजा पूरी कर अपने वतन पाकिस्तान वापस जा रहा है, जिसकी उसे खुशी है और अब वह अपने परिवार को जाकर मिलेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम जुलकर नैन है। कहाँ के रहने वाले? मैं पाकिस्तान का रहने वाला। कौन से इलाके? मेरा इलाका जो शहर जो मुझे कोई रात है, मेरा गांव का नाम कड्डू कला है। कैसे कैसे कहाँ? मैं बस नादानी बचकानी मतलब आ गया घूमने फिरने के लिए आया था, तो उधर से आपके हाथ में ही था, उधर से मुझे आपके जवानों ने पकड़ लिया था। कितनी उम्र आपकी? मेरी अभी 19 ईयर हो गई। पढ़ते हो के काम करते? नहीं पढ़ता था मैं। घर में और कौन कौन? घर में एक भाई है, 2 बहनें हैं छोटी। कितनी सजा हुई आपको? मुझे सजा तो 7 महीने हुई थी, लेकिन 15 महीने काट के जा रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आप वापस घर जा रहे हो? बस अच्छा लग रहा है, जा रहे हैं। घर वालों को पता इसका कि नहीं? नहीं, 1.5 साल से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ उनसे कुछ भी। घर वालों को मिले कोई जाकर? अब मिलेंगे। पासगढ़ वालों एक बार फिर बड़ा वधिया उपराला करते हुए एक पाकिस्तान नागरिक को रिहा करने के ऑर्डर दिए गए। इस दा नाम नैन सिकंदर सन ऑफ जफर इकबाल, मुसलमान आरओ गुजरात, तहसील फलियां, जिला मंडी, बहावलपुर, पाकिस्तान। दसिया इहदी उम्र करीब 19-20 साल। ये रमदास एरे विचों 2021 दे विच गलती नाल कहण दे मुताबक पाकिस्तान तो भारतीय हद दा दाखल होया। ये मदरसे पढ़ता सीगा, मदरसे पढ़न तो दिल ना लगन करके मदरसे भज गए बॉर्डर उत्ते आ गया। ये कहने मुताबक भी मैं गलती नाल पाकिस्तान तो भारत की हद दाखिल नहीं होया, पर मैं फड़िया गया। रमदास थाने के विरुद्ध मुकदमा नंबर 123/12/2021 अंडर सैक्शन 334 आई पी एक्ट 14 दर्ज किया गया। पंजाब सरकार की ओर से अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को पद देकर नवाजा जा रहा है।
जिसके तहत नाभा में सुरेंद्र पाल शर्मा को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उनके ताजपोशी समागम में कैबिनेट मंत्री पंजाब चेतन सिंह जोड़ामाचरा ने विशेष रूप से शिरकत की और सुरेंद्र पाल शर्मा को बधाई दी। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर कैबिनेट मंत्री जोड़ामाचरा ने कहा कि सिद्धू के आने से अब कांग्रेस पार्टी दोबारा से इकट्ठी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लीडरलेस पार्टी है और केंद्र में भी इनका कोई नेता नहीं रहा। वहीं इस दौरान इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान, राजपुरा से विधायक नीना मित्तल, जिला योजना बोर्ड पटियाला के चेयरमैन जस्सी सोनियावाला ने विशेष रूप से शामिल होकर नव नियुक्त चेयरमैन को बधाई दी। इस अवसर पर नव नियुक्त चेयरमैन सुरेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है वे उसे पूरी तनदेही और ईमानदारी से निभाएंगे। तो वहीं उन्होंने समूची पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी किया। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सब तो पहला मैं धन्यवाद करना चाहना साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान उन्हां दा और साडे दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब दा और साढ़े जिहड़े पंजाब तो राज्यसभा मैंबर ने संदीप पाठक जी और राघव चड्ढा जी जिन्हां नाल ला के असी सारे एक टीम के तौर पर जिहड़ा पंजाब पंजाब दे विच कम कर रहे हैं और पहली बारी है कि कोई सरकार आई है और उन्होंने जिन्नियां चेयरमैनियां ने वो आम घर के जिहड़े मुंडे कुड़ियां ने उन्होंने चेयरमैनियां दित्तियां ने और बिना पक्षपात तो जिन्हें ने काम किया उन्होंने पार्टी है जिहड़ा बनदा मान सम्मान है जिहड़ी जिहड़ा दे रही है और उरे मैं बधाई भी दिना साढ़े MLA साहब नाभा देवमान जी और उन्होंने सारी टीम मूंगो साहब जस्सी सोहियाला सुरेंद्र पाल शर्मा जी जिहड़े एक टीम के तौर पर जिहड़ा नाभे नूं सोहना बनाउण दे विच साफ सुथरा रखण दे विच टीम के तौर पर काम करनगे और नाभे नूं पंजाब दे विचों सब तो सोहना शहर बना के जिहड़ा वो देंगे। पार्टी के पुराने वर्कर से तो उन्होंने मान बख्शे और उन्हों की बदौलत जिहड़ा अज असी आए हैं सानू जिम्मेवारियां दित्तियां गई हैं और असी जिहड़ा जिहड़ी भी जिम्मेवारी सानू मिली है असी तनदेही नाल निभावांगे और लोगों की सेवा करांगे। बाकी असी पार्टी के वर्कर हाँ, पार्टी के अर्पण हाँ, पार्टी जिथे सानू ड्यूटी लाऊगी जिथे भी पिछले समय से लाए उत्थे भी गए हैं आने वाले समय जो भविख भी जिते लाओगे उत्थे देवे। शुभकामना वास्ते साढ़े कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जी जोड़ामाजरा राजपुरा तो MLA मैडम नीना मित्तल जी और साढ़े मेरा छोटा भीर जस्सी सोहियावाला साढ़े लोग सभा इंचार्ज इंद्रजीत सिंह संधु साहब और साढ़े मेघ चांदी शेर माजरा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पटियाला होर भी अलग अलग विंगा तो साढ़े अहदेदार साहबान नाभा विधानसभा के बहुत सारे अहदेदार साहबान सारे एकत्र हुए हैं मुबारकबाद दे रहे हैं। सो मैं इन्हों बहुत बहुत मुबारकबाद देना और उम्मीद करते हैं कि असं सारे मिलकर इकट्ठे होकर नाभे को खूबसूरत बनावेंगे और पंजाब के नंबर वन शहर स्मार्ट सिटी बनाने की जी सा एक अजे तहैया किया है उन्होंने असी निपरे चाढ़ांगे। शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन की ओर से श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए वैशाखी वाले दिन शुरू किए जा रहे यात्री सहायता केंद्र की पहली झलक अमृतसर विरासती मार्ग पर महाराजा रणजीत सिंह बुद्ध के नज़दीक मीडिया के सामने पेश की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार भाईचारे के वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा अमृतसर के कई समाज सेवक और राजनीतिक पार्टियों के नेता और होटल मालिक मौजूद रहे। इस दौरान एसोसिएशन के चेयरमैन अमरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से हरिमंदर साहिब के नज़दीक कई प्रकार के गैर सरकारी काम हो रहे थे जिस कारण अमृतसर शहर की पूरे विश्व में बदनामी हो रही है और श्री हरिमंदर साहिब के दर्शनों के लिए आए यात्रियों और देश विदेश से आ रहे टूरिस्टों के अमृतसर में पैर रखते ही लूट खसूट शुरू हो जाती है जिस कारण यात्रियों और टूरिस्टों के सामने अमृतसर का बुरा अक्स उभर कर सामने आ रहा था जिसका मुख्य कारण विरासती मार्ग में जड़े जमाई बैठे रूम एजेंटी सिस्टम था जिसे यहाँ की भाषा में गालड़ सिस्टम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये यात्री सहायता केंद्र की शुरुआत वैसाखी तक कर दी जाएगी और ये पूरा सेवा शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन के वॉलंटियर्स द्वारा की जाएगी। इस मौके पर शहीद भगत सिंह की भतीजी बीबी जसमीत कौर विशेष मेहमान होंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा है इतने आस पास चल रहा देह व्यापार फिर यदि बड़ी चंगी तरह जदों असी पड़ताल की तो पता लगा भी देखो जी
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, 2-3% ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਮ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾਲੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗਾਲੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਟਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਗਾਲੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ 30-40% ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਆਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਕੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਸੇ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲੀ 120-ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹਟਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਯੋਗ ਮੇਂ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਪਲਾਟੋਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਲੋਕੋ ਕੋ ਰਿਫੰਡ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਸੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਉਹਨੇ 1.5 ਸੇ 2 ਮਰਲੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਕੋ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਜਵਾਬ ਆਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਡੀਓ ਫਰਮ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਲਾਟ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਾਟੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡੋਲ ਡਰੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 150 ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਾਂ 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਜਕਲ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੋਂ ਕੀ ਦਲਦਲ ਮੇਂ ਫਸ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਕੇ ਗਾਂਵ ਮਹਿਸ ਮੇਂ ਇੱਕ 23 ਵਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਮੋਟਰਸ ਕੀ ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਵੇਚਤਾ ਥਾ, ਜਿਸੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਟਰੋਂ ਕੀ ਤਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀ ਤਾਰ ਸਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ਸੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਹੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਉਕਤ ਚੋਰ ਕੋ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਮਾਨਾ ਕਿ ਵਹਿ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਹੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਰੋਟੀ ਵਾਸਤਾ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੀ ਸੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਸੂਹੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਏਕਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਆ ਇਹ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੇ ਦੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਭੇ ਦੀ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ
एक नाल दा मोटरसाइकिल मौके ते बरामद होया जी। दूजी जो कार्रवाई है पुलिस दी वो आप करेगी क्योंकि पुलिस दो चार मिनट च पहुंचने वाली। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर श्री बजरंग भवन जालंधर छावनी से श्री बालाजी की भव्य विशाल निशान यात्रा निकालेगी। इस निशान यात्रा में सैकड़ों भक्तों ने भाग लेकर श्री बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। निशान में हाथों में लाल रंग के निशान पकड़े भक्त बालाजी के जयकारे लगाते हुए और नाचते हुए अपनी हाजिरी बाबा जी के चरणों में लगा रहे थे। इस दौरान बालाजी का अलौकिक भवन देखने योग्य था और डीजे की धुन पर नाच रही गाड़ी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। तो वही भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस निशान यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान विजय गोयल, उप प्रधान कुलभूषण अग्रवाल भूषी, राकेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सागर अनुराग, पवन अग्रवाल, सिविल सदस्य पुनीत शुक्ला, दीपक सहगल, विकास, दिनेश कुमार, गौरव अग्रवाल सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जलंधर कैंट मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक विशाल निशान यात्रा जो मंदिर श्री बजरंग भवन से प्रारंभ होकर सभी बाजारों में होती हुई मंदिर में प्रस्थान करेगी। मैं हनुमान जन्म उत्सव पर सभी छावनी निवासियों को और देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री विजय कुमार गोयल जी, पवन अग्रवाल जी और सारी उनकी टीम का जो सहयोग है, छावनी निवासियों का सहयोग है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ बालाजी महाराज ऐसे ही सब पर कृपा बरसाते रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री शाह, जय श्री राम।
मां बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया और इससे पहले हनुमान जयंती भी मनाई गई, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान रेणु वैश एवं डॉक्टर शिवराज वैश से परिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि भक्त बनो तो हनुमान जैसा, जिन्होंने हर दुख सुख में प्रभु श्री राम जी का साथ दिया और अंतिम क्षणों तक प्रभु की सेवा में लगे रहे। वहीं उन्होंने कहा कि आज ऐसे भक्त की कल्पना करना भी मुश्किल है जिसने राम को अपने हृदय में बसा लिया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज, विनोद मरवाहा, संजीव सौंधी, रविंद्र बांसल, विक्रम भसीन, राकेश प्रभाकर, एडवोकेट राजकुमार, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, रोहित बहल, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, संजीव सावरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, प्रदीप, मोहित बहल, रोहित भाटिया, रॉकी, डॉक्टर गुप्ता, राजेंद्र सहगल, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। प्रेम रस से तृप्त होकर वंदना हम नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर। बोलिए यज्ञ स्वरूप महाराज की। जिथे खड़े हैं सज्जा हाथ राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, तीन प्रगमियां लड़िया अपने नाल। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी के नज़दीक स्थित है, माँ के भव्य मंदिर के अज सप्ताहिक जोड़ा श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिस बहुत दूरों दूरों आ के संगत ने अरदास बेनती की है और माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं इस दसना चाहना कि 28 अप्रैल दिन शुक्रवार को माँ बगला मुखी जयंती का एक बहुत विशाल महोत्सव मनाया जा रहा। करबद्ध प्रार्थना है सारे सेवादारा वालों समूह वालों कि आप पहुँचो, अपने परिवार समेत मित्रगण संबंधियों के नाल आओ, दाती दे दरबार से नतमस्तक होवो। सवेर तो ही उस दिन लगातार शुरू हो जाएगा जिहड़ा प्रोग्राम है भजन कीर्तन का भी और लंगर भंडारे का भी, सारा दिन अतुट लंगर वरतेगा। इस दे नाल नाल जिहड़ा गायन है कीर्तन है महामाई दे लई, वह बहुत सारिया अलग अलग तरह दियां पार्टियां आ के दरबार के उत्ते गुणगान करनगियां। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के दाती दे दरबार ते दर्शन दीदार करो और महामाई दा आशीर्वाद प्राप्त। मैं सहारनपुर से रेणु, जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई थी मंदिर में बहुत परेशान थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन माता रानी की इतनी दया हुई है, इतनी कृपा हुई है कि मेरा ऑपरेट भी हो गया ऋषिकेश एम्स में और अब मैं यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी हूँ। माता रानी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे तंदुरुस्त मत्था टेकने के लिए बुलाया। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में 29वें वार्षिकोत्सव के तीसरे हवन यज्ञ के मुख्य यजमान सुरेंद्र खन्ना एवं रेवा खन्ना, सुरेंद्र कुमार एवं सुनीता रानी ने उपस्थित होकर यज्ञ में आहुतियां प्रदान की।
यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित शिवा शास्त्री जी ने पवित्र पावन वेद मंत्रों से यज्ञ को संपन्न करवाया। गुरुकुल करतारपुर के ब्रह्मचारियों ने वेद पाठ किया। इसके बाद आर्य समाज की प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, अक्षय, पवन शर्मा, चौधरी हरिचंद, शारदा रानी, रश्मि मदान, सुरेंद्र अरोड़ा, जसविंदर कालिया, तरुण, भूपेंद्र उपाध्याय, नलिनी उपाध्याय, संदीप अरोड़ा, सुमित भाटिया, राजीव शर्मा, अनिल मिश्रा, ज्योति, अमित सिंह, बबलू यादव, केवल कृष्ण चोपड़ा, नवनीत शर्मा, उषा कालिया, रेवा खन्ना, ललित मोहन कालिया, सुरेश ठाकुर, नवीन कुमार चावला, डिम्पल भाटिया, रजनी सचदेवा, तान्या शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुनीता रानी, पवन महाजन सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अमृतसर के प्राचीन रघुनाथ मंदिर चौक फव्वारा में हनुमान जयंती समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पहले सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके बाद भजन गायक राजन मिनी चंचल द्वारा हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य सुनील गुप्ता ने बताया कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से हाजिरी लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सुनील गुप्ता, ट्रस्टी श्री मारवाड़ी पंचायत के बड़ा मंदिर का हाँ। अज 6 तरीक वीरवार को हनुमान श्री खाला साहब हनुमान जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम नाल मंदिर के अंदर मनाया जा रहा है। हर वर्ष मनाया जाता उस तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। इस सब तो पहले सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन किया गया, उस पश्चात राजन मिनी चंचल द्वारा संकीर्तन किया गया, जिन्होंने सब बहुत बढ़िया भजन करके मंत्र मुग्ध कर दिया। सब श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीरदाद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित राजकुमार तिवारी जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन भागवत प्रवक्ता सच्चिदानंद गुरु रूपेश जी महाराज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनाकर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने तीसरे दिन की कथा का रसपान उपस्थित भक्तों को करवाते हुए कहा कि हमारा शरीर क्षणभंगुर है, यानी किसी भी समय शरीर का अंत हो सकता है, इसलिए शरीर सुंदर हो या ताकतवर हो इसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने गले में तुलसी की माला धारण करने का महत्व भी बताया। इस अवसर पर चेतन भल्ला, पूजा सुषमा शर्मा, राहुल कुमार, चंद्रगुप्ता, विशाली, देवेंद्र शर्मा, विकास मल्होत्रा, रमेश दुबे, रचना मनोरमा, सविता, मधु, काजल, पंडित मनोज शास्त्री, पंडित राजू, मनोहर लाल शर्मा, कुलदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 29वें वार्षिक महोत्सव वार्षिकोत्सव।
श्री गौर शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू नगर एमएस फार्म के बैक साइड में है, जिसमें 2 अप्रैल से श्रीमद् भागवत पुराण का कथा का आयोजन चल रहा है, क्योंकि आज 5वां दिन है। आज भगवान का जन्मदिन का उत्सव है और ये प्रसंग जो है 8 तारीख तक चलेगा। 8 तारीख तक इसके विषय में लंगर भंडारा जो भी होगा सभी 8 तारीख को संपन्न होगा, पूर्ण आहुति होगा, इसमें सभी को स्वागत आमंत्रित है। भगवान का प्रसाद का ग्रहण करें और अपना जीवन सफल बनाए। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 29वें वार्षिकोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व एवं संगीतमय श्री राम कथा के तीसरे दिन रात्रि के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर्य सत्यदेव मोहन, संगीता आर्य, राजेंद्र सिंह ठाकुर, मधु ठाकुर, सुभाष निस्तंद्रा, सुनील विज, तरुण बाहरी, गुरुकुल करतारपुर के प्रधान ध्रुव मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रसिद्ध कथावाचक संदीप आर्य ने रामकथा में बताया कि आज हमारी संस्कृति हमारे परिवारों से विलुप्त होती चली जा रही है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है गुरुकुलों का ना होना। भगवान राम और कृष्ण जैसे महापुरुषों ने गुरुकुल में शिक्षा पाकर ही मानव को सुंदर संदेश दिया है और सही जीवन जीने की कला बताई। आज हम सबको गुरुकुलों में अवश्य जाना चाहिए और अपनी संस्कृति को देखना चाहिए। इस दौरान आर्य समाज के मंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया और समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, बलराज मिश्रा, अनु आर्य, सुनीता रानी, खुशबू, श्रुति अग्रवाल, अक्षय, पवन शर्मा, चौधरी हरिचंद, शारदा रानी, रश्मि मदान, सुरेंद्र अरोड़ा, जसविंदर कालिया, तरुण, भूपेंद्र उपाध्याय, नलिनी उपाध्याय, संदीप अरोड़ा, आर्य संगीता, शादीलाल, वेद कुमार भाटिया, विजय भाटिया, पंकज सरपाल, यशपाल, राजेंद्र हांडा, जगदीश भाटिया, सतीश कुमार, अनिल कोहली, प्रवीण लखनपाल, कनु आर्य, गौरव आर्य, अनिल खेड़ा, कुणाल खेड़ा, सुभाष शर्मा, हजारी शर्मा भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है और मुक्का बना करके मारते हैं तो सबसे आगे मैं रहती हूं, मैं बहादुर हूं। क्या हूं मैं? बहादुर हूं क्योंकि मैं सबसे आगे रहती हूं, इसलिए मैं क्या हूं बोलो जरा? बड़ी हूं और बहादुर। स्वामी जी ने कहा तेरी बात मुझे समझ में नहीं आई, एक काम कर तो पीछे हट, तेरा फैसला बाद में हम करेंगे। अब इस अनामी का उंगली से पूछा, बोले भाई तू क्यों लड़ी? तो ये अनामी का उंगली कहती है, स्वामी जी देखो मैं काम तो बहुत करती हूं लेकिन नाम नहीं चाहती,
बोले भाई तेरे अंदर क्या योग्यता है? बोले मेरे अंदर तो ये योग्यता है। बोले जब प्रातः काल हमारे आचार्य शिवाजी जब यज्ञ कराएंगे तो वो हल्दी में उंगली लगा करके कहेंगे कि यहाँ छींटा लगाओ, वहां छींटा लगाओ, यहाँ लगाओ, ये सारा काम पंडित जी मुझसे ही कराते हैं, ये मेरे अंदर योग्यता है। बोले ये कोई खास योग्यता नहीं, कोई अच्छी सी योग्यता बताओ। तो वो कहती है फिर स्वामी जी मेरे अंदर एक योग्यता ये है। बोले जब रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम होता है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है, तो अंगूठी किसमें पहनाई जाती है? बहुत ही सहर्ष विषय है कि हमारे इस राम कथा का आयोजन जो कि हमने पहले 3 अप्रैल से जस्ट काउंट किया था, सिर्फ 12 घंटे थे हमारे पास, 12 में से 6 तो निकल गए, केवल 6 घंटे हमारे पास शेष हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कल अपने साथ अपने सहयोगियों को अपने पड़ोसियों को अवश्य लेकर आएं, जितना आप आएंगे उतना ही आनंदित जाएंगे, प्रभु की कृपा रहेगी, मन खुश रहेगा, आप सभी को अच्छा लगेगा कि आप राम कथा में आए। और ऐसे भजन सम्राट संदीप पारी जी के मुखारबिंद से आपने राम कथा सुन रहे हो। संगीत में राम कथा और प्रातः काल का जो हमारा जो हमने आर्यावहन और ध्यान ज्योति पर्व का जो आयोजित कार्यक्रम रखा हुआ है, बड़ी ही आपके सहयोग से जिस पर सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम चल रहा है, और परमपिता परमात्मा और भगवान राम का भी आशीर्वाद है। ठीक है, मेरे भाई हर्ष जी ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास था, कहते थे बड़ी गर्मी होगी, बड़ा कुछ कहा, लेकिन जब हम नित्य प्रति यज्ञ पर एक बार आकर बैठते हैं, परमपिता परमात्मा से जब याचना करते हैं, तो वो परमात्मा हमारे साथ खड़ा हो जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोडल रोड जालंधर में 36वां वार्षिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक श्री अमृत लता दास देवाजी महाराज दीनानगर वालों ने सभी भक्तों को प्रभु की लीलाओं को दर्शाती कथाओं को सुनाकर मंत्रमुग्ध किया। इस कथा की अध्यक्षता करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोडल रोड चालंदर के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत सिया शरण दास जी महाराज ने बताया कि यह कथा 9 अप्रैल तक रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी परिवार सहित पहुंचकर इस कथा में भाग लें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान जी मंदिर में हम लोगों ने मनाया। सवामणि का भोग कालिया साहब ने आकर के और बड़ी श्रद्धा के साथ हनुमान जी को समर्पित की, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया जी और हरिद्वार से आए हुए महंत बबीता दास, मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर में अखंड श्री राम नाम संकीर्तन 1 वर्ष के लिए चल रहा है, बहुत ही सुंदर आनंद आया। आम आदमी पार्टी द्वारा लोकसभा उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद सुशील रिंकू आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पहुंचे, जहां पर ढोल के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे बड़े भाई सुशील रिंकू को पार्टी ने टिकट दी, हम सब मिलकर उनका पूरा साथ देंगे और भारी बहुमत से उन्हें जिताएंगे। वहीं टिकट मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि वे पार्टी सुप्रीमो का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उन पर भरोसा जताया। वे आम आदमी पार्टी के वर्करों के साथ मिलकर जी जान से मेहनत कर नया इतिहास कायम करेंगे। रिंकू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 1 साल में बहुत सारे काम किए हैं और लोग उनके कामों से बहुत ज्यादा खुश हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हल्का जालंधर सेंटर तो MLA बड़े भाई रमन अरोड़ा जी, हल्का करतारपुर तो MLA मेरे बड़े भाई सरदार बलकार सिंह जी, मेरी वड्डी भैन राजविंदर कौर थैरा जी, पार्टी के बहुत अहदेदार सारे ही मंडल के
ब्लॉक के वार्डा के जिन्हें भी अच्छे इतने खड़े है सारे अच्छ बधाई देने दे मेरे बहुत सत्कारयोग मेरे वड्डे भाई सुशील कुमार रिंकू जी अज आम आदमी पार्टी टिकट मिलने के उत्ते मैं अपने वालों आम आदमी पार्टी जलंधर की टीम वालों अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता और पंजाब के मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करता जिन्होंने सानू एक नौजवान साथी दे के अज वो मैदान के उतारे है। मैं लगता है कि असी सारे पहले जिदा जिदा अपने अपने हल्क काम कर रहे थे सुशील रिंकू जी के आने के नाल मेरा हल्का जलंधर वैसट दुगनी रफ्तार से तेज चलेगा और उस बाद जरा ये लोग सभा जी सीट है सब तो व्डे मार्जना जित के अरविंद केजरीवाल की झोली च पावे सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जिला जलंधर उत्ते विश्वास किया है उस विश्वास को कायम रखते हुए मैं एक बार फिर अपने व्डे भाई और मेरे हल्के नेता सुशील कुमार रिंकू जी ने इतने टिकट मिलने के उत्ते बहुत बहुत शुभकामना देना बहुत बहुत शुभकामना देना। किसी भी पार्टी को घट नहीं मिथना चाहिए क्योंकि अगर असी किसी घट मिथांगे तो असी मेहनत जी है वो नहीं करा सानू जिहड़ा जोर दे नाल मेहनत करनी पेगी सारे साथियों पूरे जोर दे नाल मेहनत करनी पेगी और लोग है जिहड़ा इहदा फतवा जिहड़ा 10 तरीक नूं देखो गल है कि बदलाव जिहड़ा है वह मिनटां दे विच आ जांदा उहदे लई कोई समय की जरूरत नहीं हुंदी बदलाव नूं आंदे टाइम नहीं लगता 2022 दे विच भी बदलाव है कुछ दिनों दे विच ही आया सी तो यह जिहड़ा बदलाव है इहनूं कोई समय की जरूरत नहीं हुंदी इह तां बस आइडिया क्लिक हुंदे आ। बरनाला में सावन की फसलों संबंधी जिला स्तरीय किसान सिखलाई कैंप लगाया गया जिसमें विशेष तौर पर कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर पहुंचे। इस कैंप में लघु उद्योग स्वयं रोजगार किसानी से संबंधित आधुनिक मशीनरी पराली के धुएं के मुद्दे पर और पंजाब में गिर रहे पानी के स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया। मीथेयर ने बताया कि पंजाब के पानी स्तर को बचाने के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल शुरू किया गया है तो वहीं पर्यावरण को शुद्ध साफ रखने के लिए पराली ना जलाने वाले किसानों को भी जागरूक और सम्मानित किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे किसानों ने भी इस किसान सिखलाई कैंप का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से यह काफ़ी अहम उद्यम है। इस कैंप में आकर खेतीबाड़ी संबंधित नई जानकारी और आधुनिक मशीनरी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जी ने पंजाब सरकार वालों काफ़ी वधिया उपराला किया जा रहा खेतीबाड़ी महकमे वालों बहुत वधिया उपराला किया जा रहा ये है भी जिम्मे हम देखने को काफ़ी जगह मन के चलो स्टाला वगैरह लगदिया ने जो मशीनरी हैगी है जिम्मे गंढा मरने वाली मशीन है बेलर है वो चीज़ा इतने देखने को मिलती जिम्मेदारों को आने वाले प्रोसैस बारे पता लग सकता आने वाली फसल वो कटिंग करनी है या फसल व्ढनी है वो कि मशीन वरती जा सकती है तो ना ही स्टाला लगदी स्टाला तो लोगों को अवेयरनेस मिलती है जिम्मे मैं अपनी स्टाल लाई हुई इतने जबंदा कुदरती फार्म बड़ पड़ती ठीक है जी मैं अपनी स्टाल लाई है मेरी स्टाल में देख लोग ऑरगैनिक फार्मिंग करनी स्टार्ट करेंगे तो अपने अपने फसलों बीजना स्टार्ट करेंगे आने वाली जो रसोई आ वो अपनी ऑरगैनिक करनी स्टार्ट करेंगे। देखो साढ़े खेतीबाड़ी विभाग वालों अज किसान सिखलाई कैंप लगाया गया जिसे साढ़े PAU तो साइंसिस्ट भी आए थे जिन्ह ने मतलब के जड़िया कोई नवी खोजा होंदिया ने उन्हों बारे भी किसानों दसिया कि आप धरती हेठला पानी किस तरह बचा उहदे बारे भी दस्सिया साडा वातावरण किस तरह बचाउणा उहदे बारे भी दस्सिया ते जिहड़ी डाइवर्सीफिकेशन बारे भी जिहड़ी इत्थे गल है जिहड़ी उह क्योंकि साडी सरकार भी लगातार असीं क्योंकि नवीं खेतीबाड़ी पॉलिसी ते भी काम कर रहे हां उहदे 'च भी असीं किसानां तों जिहड़े सुझाअ है उह लै रहे हां तो जिथे असीं किसानां तों सुझाअ लै रहे हां क्योंकि CM साहब दा मनणा है कि जो किसान खेती करदा उहदे 'च की मुश्किलां आउंदियां ते की हल है वह किसान नालों बेहतर कोई नहीं दस सकता पर जिहड़े साडे साइंसिस्ट ने साडा डिपार्टमेंट है PAU खेतीबाड़ी विभाग है ये लगातार जिहड़े अपने उपराले करते रहते हैं सो सानू सीखने की भी जरूरत है तो जो असी नवीं खोजा करते हैं सिखाने की भी जिहड़ी जरूरत है सो नॉलेज शेयरिंग है जिहड़ी दोनों पासे तो जिहड़ी हो रही है। ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित श्री राम कथा अमृत के दूसरे दिन संस्थान के संचालक एवं संस्थापक श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या मानस मर्मज्ञा साध्वी सुश्री जयंती भारती जी ने बताया कि प्रभु श्री राम जी के जीवन पर आधारित अनेकों ही गौरवशाली ग्रंथ हैं परंतु श्री रामचरितमानस अपने आप में उल्लेखनीय है। श्री रामचरितमानस के सातों कांड प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर कथा का श्रवण करने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज विशेष तौर पर पहुंचे।
कथा की समाप्ति प्रभु की आरती से की गई। कथा को श्रवण करने हेतु उपस्थित भगवत प्रेमी इन आध्यात्मिक रहस्यों को श्रवण कर आश्चर्य से भर उठे। इस अवसर पर आप नेता सुशील कुमार रिंकू, करमजीत कौर चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सुरेंद्र कौर, जगबीर बरार, कमलजीत सिंह भाटिया, हर्ष सोंधी, अमित तलवार, राजीव दुग्गल, खेलचंद, दिनेश शर्मा, जगदीप सिंह, अशोक मल्होत्रा, लखबीर सिंह, ओंकार सिंह टिक्का, अरुण होंडा, रोहित होंडा, राकेश शर्मा, मनोज नन्ना, संजीव शर्मा, रोहित अरोड़ा, हेमंत शर्मा, अमृत गिल, डॉक्टर परीना, मेघना कौशल सहित असंख्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कथा में बढ़ चढ़ कर हाजिरी भरी। मारते हुए प्रभु श्री राम अपने पिता को आनंद दे रहे हैं, हर्षित कर रहे हैं। और गुरु वशिष्ठ उन्होंने प्रभु के श्री चरणों पर नमन करते हुए कहा, आहो भाग्य प्रभु, स्वागत है आपका इस भूमि पर। न जाने ये युग आपका इंतजार कितने वर्षों से कर रहा था, आज आपके श्री चरणों से भरा भी धन्य हो जाएगी ये आकाश, ये चारों दिशाएं, पवन, मेघ सब धन्य हो जाएंगे प्रभु, आपका आहो भाग्य, आपका धन्यवाद प्रभु। महाराज दशरथ ने कहा, शीघ्र जन्मोत्सव, क्योंकि बालक का जन्म हुआ है, सब दर्शन पाना चाहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर में क्या करते हैं, हम उत्सव मनाते हैं। अब अयोध्या को पूरा सजा दिया गया। जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की अनंत कृपा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के समस्त कमेटी मेंबर्स के सहयोग और आप सभी भक्तों के सुप्रयासों से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने 5 दिवसीय श्री राम कथा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। ये कथा यज्ञ का शुभ प्रारंभ हो चुका है, जिसका आज द्वितीय दिन था। और ये कथा जिसमें प्रभु श्री राम जन्म उत्सव को आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 8 चक्र 9 द्वारों की ये पुरी हमारा शरीर है, अयोध्या पुरी। लेकिन जब तक राम तत्व घट में प्रकट नहीं होते, तब तक हमारी ये अयोध्या सुनी है। इसलिए हमें अपने जीवन को भोगों की पुरी लंका नहीं बनाना है, केवल भोग के लिए अपने जीवन को नहीं जीना है, हमें इसे अयोध्यापुरी बनाना है, भोग से योग की ओर बढ़ना है। और अगर हम योग की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंतर्घट में राम, प्रभु श्री राम को प्रकट करवाना होगा।
7 अप्रैल दिन शुक्रवार को मां त्रिपुर माली जी के मेले के उपलक्ष्य में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर कमेटी की ओर से सरोवर तटवासिनी मां त्रिपुर माली जी के दरबार में ध्वजारोहण की रस्म अदा की गई। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, महासचिव राजेश विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर विधिवत ढंग से मंत्रोच्चारण सहित ध्वजारोहण की रस्म को अदा किया। इस अवसर पर अध्यक्ष पविंदर बहल, उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, सीए वीएम अरोड़ा, वीरेंद्र शर्मा, भूषण कोहली, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जननी माँ ज्योता वाली जगमग ज्योत जगे हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। संगरूर के माल रोड पर विश्वकर्मा ट्रक बॉडी रिपेयर वर्क्स में देर रात लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 100 ग्राम हेरोइन की बरामद। भवानीगढ़ के नजदीक एक ब्रीजा कार और रेत से भरे ट्राले की हुई टक्कर, इलाका विधायक ने टोल प्लाजा कर्मचारियों की लगाई क्लास। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।